हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, दिस इज वीरेन। और आज हम फिर बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू क्लियर पीआरए इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हां, हम देखेंगे कि किस तरह हम पहले ही अटेम्प्ट में अपने जो पीआरए एग्जाम्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। जो भी हमारे ट्रेनिंग के पीआरए एग्जाम्स हो रहे हैं उनके बारे में बात करें। साल जो पीआरए हो रहे हैं वो डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि आपको डोमेन अलॉट कर दिया गया है। आप आईटीएस में हो सकते हो, आप ईआईएस में हो सकते हो, आप आईटी में हो सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन अलॉट कर दिया गया है और उनके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग हो रही है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। जी तो देखा जाए तो ट्रेनिंग प्रोसेस सबके लिए सेम ही है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आईटीएस की, फिर हम दूसरी डोमेन की भी बात करेंगे। जी हाँ, तो अगर आईटीएस की बात करते हैं तो आईटीएस का आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया ही होगा, आपको आई वॉल पे कोर्स आईडी मिल गई होगी, साथ में आपको अदर जो लिंक्डइन कोर्सेज हैं वो मिले ही होंगे। आपको उनसे ही पढ़ने की जरूरत है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो लिंक्डइन कोर्सेज ही पढ़ने की जरूरत है, आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। जी हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई एक्स्ट्रा कहीं गूगल या इंटरनेट या किसी भी चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रोवाइड किया है कोर्स, आप उसी से पढ़ोगे, वो सफिशियंट है। कोशिश करो बेसिक्स पढ़ने की, वो ज़्यादातर हेल्प करते हैं। मैं अपनी आईटीएस की जो मेरे पीडीएफ थे पीआरए के, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस उनसे आ रहे हैं। मैंने काफी लोगों को शेयर किया था, उन्होंने बोला भी था कि आपके ही पीडीएफ से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप उन पीडीएफ को जरूर चेकआउट करो, और अगर आप आईटीएस डोमेन से तो उनसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, तो उनको जरूर चेकआउट कर लेना, और आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी बात कर लेते हैं ईआईएस और आईटी, जिनके सिलेबस में कोडिंग पार्ट भी है। जी हाँ, तो देखो जो आपका थ्योरी पार्ट है ना, वो तो आप अपने जो कोर्स आईडीज हैं उनसे ही पढ़ लो, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस स्किल्स के भी जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो सारे उन्हीं से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। एक्सप्लोर कोर्सेज को अगर अभी आप एक्सेस कर पा रहे हो तो एक्सप्लोर कोर्सेज से भी पढ़ लो, एक्सप्लोर से भी आपके मेनली होगा। एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो, कि आप कोडिंग का कहीं कोई सिलेबस नहीं है, कोडिंग का कहीं कुछ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग आप हैकर रैंक से कर सकते हो, क्योंकि जो पीसेज है वो भी हैकर रैंक से ही क्वेश्चंस देता है, और हैकर रैंक के ही प्लेटफॉर्म पे आपसे टेस्ट भी लेता है। तो मेक श्योर करो कि आप हैकर रैंक जरूर ट्राई कर लो, हैकर रैंक पे जितनी आप सीख सकते हो सीखो। अगर थ्योरी पार्ट की बात करें, जावा या पाइथन या किसी की, तो आप ग्रीक्स ऑफ गीक से पढ़ सकते हो। ईआईएस में हो तो आप ग्रीक्स ऑफ गीक और हैकर रैंक को यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। अगर आपके सिलेबस में कोडिंग है तो मेक श्योर करो कि आप कोडिंग पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि कोडिंग ज्यादा नंबर का होता है। तो अगर आपने कोडिंग क्लियर कर लिया तो ऑलमोस्ट आपको थ्योरी पार्ट में अगर आपके थोड़े बहुत कम हो जाएंगे तो भी आपका पीआरए क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, कोशिश करो कि आप कोडिंग पार्ट को आराम से कर लो और उसको निकाल लो। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, अगर आप ईआईएस से हो, अगर आप आईटीएस से हो। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी पेपर आता है। जो आपके एक्सप्लोर एग्जाम्स हो रहे थे आईपीए वगैरह या आईआरए, उनसे ईजी ही होता है। अगर आपकी ट्रेनिंग आईटीएस में हुई तो आई होप आपने मेरी आईटीएस की ट्रेनिंग की ब्लॉग देखी हो, मेरे दूसरे चैनल पे है, आप उसे चेकआउट करो, मैं उसको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। मैंने अपने प्रोजेक्ट कैसे एलोकेट हुआ सारे वीडियोस वहाँ अपने ब्लॉग चैनल पर बनाए, तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर चेकआउट करना। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, साथ में मेरे इंस्टा पेज पे भी आके बात कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उन पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। तो करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक और किसी और कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप वर्किंग।